नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। आज स्पेशल स्टेन के सीरीज में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वन कोजा स्टेन के बारे में। ठीक है, वन कोजा स्टेन हिस्टोलॉजिकल स्पेशल स्टेन है दोस्तों। ठीक है, इस स्टेन का पर्पज, कंट्रोल, रिएजेंट एंड सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते दोस्तों, और क्या क्या रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, स्टेनिंग प्रोसीजर और कंट्रोल के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का वो है पर्पज। ठीक है, वन कोजा स्टेन को हम किस उद्देश्य के लिए परफॉर्म करते हैं दोस्तों? तो दिस स्टेन आर यूज्ड टू द डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल कैल्शियम इन द बॉडी और टिश्यू। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होगा दोस्तों इसके लिए? रिक्वायरमेंट जो होगा दोस्तों होगा फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू, और कंट्रोल क्या यूज करेंगे दोस्तों इसके लिए? नॉन केश ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट या फिर और अनडीकैल्सीफाइड बोन। ठीक है, तभी हम पर्पज को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं दोस्तों। दिस स्टेन आर यूज्ड टू द डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल कैल्शियम इन बॉडी टिश्यू। ठीक है, इस स्टेन को जो परफॉर्म करने का हमारा उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? एबनॉर्मल कैल्शियम हमारे बॉडी में कितना है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग वन कोजा स्टेन को परफॉर्म करते हैं। जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू होता है। ठीक है, फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू में हम लोग वन कोजा स्टेन को परफॉर्म करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने फर्स्ट में बोला था, वन कोजा स्टेन जो होता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी स्पेशल स्टेन है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में जब भी हम बात करेंगे सिर्फ टिश्यू की बात करेंगे दोस्तों। जो कंट्रोल यूज करते हैं नॉन केस ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट, जिस टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट टिश्यू। ठीक है, जिस टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट है, ठीक है, हमें ज्ञात है कि उस टिश्यू में कैल्शियम है, या तो हम उसको एज अ कंट्रोल यूज करेंगे या तो फिर अनडीकैल्सीफाइड बोन को। अनडीकैल्सीफाइड बोन दोस्तों दैट्स मींस बोन का सेक्शन हम वो लेंगे जिसको डीकैल्सीफिकेशन प्रोसेस ना किया गया हो। ठीक है, फ्रेश बोन का टिश्यू का छोटा पीस एज अ कंट्रोल हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वन कोजा स्टेन को परफॉर्म करने के लिए हमारे रिएजेंट एंड सॉल्यूशन कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तभी हम रिएजेंट एंड सॉल्यूशन कौन कौन से चाहिए दोस्तों हमको? 5% सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, 5% सिल्वर नाइट्रेट प्रिपेयर कैसे करेंगे दोस्तों? पहले हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, और लेंगे डिस्टिल्ड वाटर, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे दोस्तों हम लोग कितना? 5 ग्राम। सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे दोस्तों हम लोग 100 ml। तो 5 ग्राम सिल्वर स्टेन या सिल्वर नाइट्रेट पाउडर को हम लोग 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व करेंगे दोस्तों।
तो हमारा 100 ml 5% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट था। अभी दूसरा रिक्वायरमेंट जो होगा दोस्तों, वो होगा 2% सोडियम थायो सल्फेट, ये भी हम 100 ml प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो 2% सोडियम थायो सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम थायो सल्फेट का क्रिस्टल या पाउडर चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर। 2% हम 100 ml प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम थायो सल्फेट कितना लेंगे, 2 ग्राम, और डिस्टिल्ड वाटर लेंगे दोस्तों 100 ml। 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में 2 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट का पाउडर को हम डिजोल्व करेंगे दोस्तों। तो हमारा 2% सोडियम थायोसल्फेट 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम तीसरा रिक्वायरमेंट जानेंगे, जिसको हम एज अ काउंटर स्टैंड, मतलब एज अ काउंटर यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, कोजा स्टैंड को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा तीसरा रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है 1% न्यूट्रल फास्ट रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो न्यूट्रल फास्ट रेट सॉल्यूशन 1% प्रिपेयर करेंगे कैसे दोस्तों, 100 ml प्रिपेयर करेंगे। तो 100 ml न्यूट्रल फास्ट रेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, न्यूट्रल फास्ट रेड लेंगे दोस्तों 1 ग्राम। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे दोस्तों 100 ml। उसके बाद कंसंट्रेट ग्लेशियल एसिडिक एसिड लेंगे 1 ml। ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर में दोस्तों 1 ग्राम न्यूट्रल फास्ट रेड पाउडर को डिजोल्व करेंगे, देन 1 ml उसमें कंसंट्रेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डिजोल्व करेंगे या मिक्स करेंगे। तो हमारा क्या होगा, 1% न्यूट्रल फास्ट रेड 100 ml का सोल्यूशन बनकर के तैयार होगा दोस्तों। अब हम इन्हीं तीन स्टेनों से, मतलब 5% सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है दोस्तों, 2% सोडियम थायोसल्फेट, 1% न्यूट्रल फास्ट रेट सॉल्यूशन। ठीक है, इन तीनों सॉल्यूशन के हेल्प से हम लोग वन कोजा स्टैंड को परफॉर्म करेंगे दोस्तों। अभी हम वन कोजा स्टैंड को का स्टैनिंग परफॉर्म करेंगे दोस्तों। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा आफ्टर डी पैराफिनाइजेशन। टिश्यू को डी पैराफिनाइज करने के बाद दोस्तों फ्लूइड स्लाइड इन ग्लास कॉपलिन जार। ठीक है, 5% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में स्लाइड को रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोज स्लाइड इन सनलाइट और थर्टी टू 40 मिनट। ठीक है,
बाद हम लोग स्लाइड को क्या करेंगे, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में एक्सपोज करेंगे दोस्तों, सनलाइट में रखेंगे। अगर हमारे पास सनलाइट में रखने का कोई सुविधा नहीं है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे 100 वाट का बल्ब यूज करेंगे। और इस जो कॉपलिन जार को है, कॉपलिन जार जो है दोस्तों हम लोगों का, इसको क्या करेंगे, तीन साइड से सिल्वर पेपर से क्या करेंगे, सिल्वर फॉइल पेपर से रैप करेंगे उसको, ठीक है, तीन साइड से। और जिस साइड रैप नहीं किया होगा दोस्तों, वहां पे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, 100 वाट का बल्ब लेंगे, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और उसका जो 100 वाट का जो बल्ब का लाइट है दोस्तों, वो हमारे स्लाइड के ऊपर पड़ना चाहिए। मान लीजिए इसमें हमारा स्लाइड है और ये तीन साइड से रैप है, जिस साइड से रैप नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उस पर बल्ब को, ये रोशनी को हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। तो कपलिंग जार को हम लोग कहाँ, बल्ब के कॉन्टेक्ट में रखेंगे दोस्तों, ओके, कितने देर के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए। देन चौथा स्टेप, आफ्टर 30-40 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे उसको डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों हम करेंगे ट्रीट विथ 2% सोडियम थायो सल्फेट 2 मिनट के लिए, ठीक है। सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद दोस्तों हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और 2% सोडियम थायो सल्फेट से 2 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे। देन फिर से वॉश करेंगे, वॉश विथ डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों जो हमारा 7th स्टेप होगा, अभी जो हमारा 7th स्टेप होगा दोस्तों, सोडियम थायो सल्फेट को वॉश करने के बाद हम काउंटर स्टेन करेंगे, काउंटर स्टेन विथ 1% न्यूट्रल फास्ट रेट सॉल्यूशन, और 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट तक हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फास्ट रेट सॉल्यूशन में रखेंगे स्लाइड को। देन फिर से वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ दोस्तों। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, क्विकली डिहाइड्रेट विथ 80%, 90% एंड 100% एल्कोहल। डिहाइड्रेट करेंगे 80-90 और 100% एल्कोहल से 10 सेकंड के लिए, मतलब 80% में 10 सेकंड, 90% में 10 सेकंड और 100% में 10 सेकंड, ठीक है। 3 चेंजेस डिहाइड्रेट करने के बाद हम इसको दोस्तों क्लियर करेंगे विथ जाइलिन, 3 चेंजेस 2 मिनट्स ईच, ठीक है। डिहाइड्रेट करने के बाद दोस्तों हम उसको जाइलिन, 3 जाइलिन देंगे 2-2 मिनट के लिए, ठीक है, मतलब 1 जाइलिन में 2 मिनट, 2nd में 2 मिनट और 3rd में 2 मिनट। और 11th स्टेप आएगा दोस्तों हम लोगों का, एयर ड्राई एंड माउंट विथ डीपीएक्स। इसके बाद हम लोग ड्राई करने के बाद डीपीएक्स से माउंट करेंगे, ओके। तो अभी हम लोगों का
कंप्लीट हुआ स्टेनिंग प्रोसीजर। अब हम जानेंगे वन कोजा स्टेन का रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों वन कोजा स्टेन को परफॉर्म करने के बाद दोस्तों हम लास्ट में उसका रिजल्ट जानेंगे। तो जो वन कोजा स्टेन का रिजल्ट होगा उसमें कैल्शियम साइड जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, कोलेजन रेड, ऑस्टियोइड रेड। ऑस्टियोइड मीन्स जो हमारा बोन होगा दोस्तों वो रेड होगा। उम्मीद करते हैं वन कोजा स्टेन हम क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टेन प्रिपेयर कैसे करते हैं उसका मैनुअल वो भी समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। और स्टेनिंग का प्रोसीजर रिजल्ट क्या होता है, कंट्रोल क्या यूज करते हैं, हमने एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को वन कोजा स्टेन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।